हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लगने वाली है आग, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल R15 के वर्जन 4 के लॉन्च होने की खबर मार्केट में आ गई है और इसका एक टेस्टिंग का स्पाइड वीडियो भी अभी सामने आया है। तो सीटों की पेटी बांध लीजिए और आइए देखते हैं इस स्पाइड वीडियो में हमको R15 V4 में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं आपको आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये अपडेट R15 का V4 होगा या सिर्फ एक फेसलिफ्ट होगा, इसके बारे में मैं बिल्कुल कन्फर्म तरीके से नहीं कह सकता। मगर आज के इस वीडियो के लिए हम इसको वर्जन 4 R15 का ही मानकर चलते हैं। तो स्पाइड तस्वीरों के हिसाब से इसके पीछे की तरफ के पोर्शन में हमको बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। जो सबसे बड़ा बदलाव आपको इसमें दिखाई दे रहा है वो है इसका फ्रंट का पोर्शन, और ऐसा माना जा रहा है कि ये हिस्सा इसकी बड़ी बहन R7 से इंस्पायर्ड है। तो जो बदलाव आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है वो है R15 वर्जन 3 के स्प्लिट LED हेडलैम्प, जो अब चेंज होकर सिंगल LED हेडलैम्प बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको हेडलाइट यूनिट वैसे ही मिलेगी जो यामा ने अपनी नई FZX में लॉन्च की है। जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि देखने में भाइयों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब इसमें इंटीग्रेटेड DRL भी मिलेगी या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बड़ी सी फेयरिंग मिलती है और FZX एक बिना फेयरिंग की बाइक है। और दोस्तों, मैं आप यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि जो ये गोल हेडलाइट है, प्रोजेक्टर हेडलाइट है, ये आपको यामा की नेकेड MT15 में भी मिलती है। तो हो सकता है यामा अब उसको अपने तीनों मोटरसाइकिल्स में एक साथ लेकर आए ताकि उनको बनाने का भी खर्चा कम आए। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको इस बाइक में राइडिंग पोस्चर, क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी सब पहले की तरह ही इसमें मिलेगा। सीट हाइट और बाकी की चीज़ें भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रही हैं। जल्दी से इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो करंट जनरेशन मॉडल आता है 155 cc के सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन के साथ, जो है 6-speed गियरबॉक्स, VVA टेक्नोलॉजी और असिस्ट स्लिपर क्लच के साथ। ये आपको देता है 18.5 BHP की पावर और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जिसमें से कितना बदलेगा वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा आगे आने वाली V4 में कोई कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इस टेस्ट बाइक को तो इन लोगों ने भाई अच्छी तरीके से ढक रखा था, कपड़े पहना रखे थे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा आप और मैं जानते हैं कि R15 के लोग दीवाने हैं, पागल हैं, और इसीलिए एक 150 cc की बाइक की इतनी ज़्यादा कीमत होने के बावजूद भी इसको खरीदने से पहले लोग बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वर्जन 4 में यामा को क्या क्या अपडेट्स देनी चाहिए, या आप अपनी फेवरेट बाइक में और क्या क्या फीचर्स देखना चाहते हैं? मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें एक अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी यामा की इंडिया से बाहर आने वाली इंटरनेशनल R15 वर्जन में आपको मिलते हैं। तो अगर वो हमारी R15 में भी मिलते हैं, हमारे देश की R15 में भी मिलते हैं, तो भाइयों मज़ा आ जाता यार। तो कमेंट के माध्यम से अपनी आवाज़ यामा तक पहुंचाइए कि यामा आग लगा दो और ये सारी अपडेट्स डाल दो R15 के अगले आने वाले वर्जन में, और इसको और भी ज़्यादा बेहतरीन मोटरसाइकिल बना दो। मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपसे आज के वीडियो में विदा चाहता हूँ, एक और नए वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।